आज भाईचारे के इस जहर ने हम सबको खत्म करके रख दिया है। आप यदि सोचते हैं कि अभी तो ये बांग्लादेश में हो रहा है और भारत में ऐसा नहीं होगा, हम सब सुरक्षित हैं, तो ये आप सबका भ्रम है। बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में जब बांग्लादेश में भुखमरी हुई, जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, वहां पर रोटी नहीं थी। मुसलमान वहां के दो दो रोटी के लिए मोहताज हो रहे थे। तो ढाका में जो इस्कॉन मंदिर था, वहां के पुजारियों ने, इस्कॉन के लोगों ने न्यूयॉर्क में अपने कार्यक्रम करके कई लाख मिलियन डॉलर रुपया इकट्ठा किया और वहां बांग्लादेश में ला करके मुस्लिम जो वहां के वासी थे उनको खाना खिलाया। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो सबसे पहले इस्कॉन मंदिर को टारगेट बनाया गया और जगन्नाथ की मूर्तियों में आग लगा दी गई, मंदिरों में आग लगा दी गई, सारे पुजारियों को, सारे इस्कॉन के लोगों को जला करके जिंदा राख कर दिया गया। बांग्लादेश में जितने भी वो दंगाई थे आए और देखा कि ये हिंदू है, इसीलिए उनकी दुकानों में, उनके घरों में, उनके आशियानों में आग लगा दी गई। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे भाई हैं। गाय को काट करके रोटी के साथ खाने वाले और गाय को अपने घर में बनी पहली रोटी देने वाले कभी भी भाई नहीं हो सकते, कभी भाई नहीं हो सकते। इसलिए ये झूठी दोस्ती और झूठा भाईचारा छोड़िए। यदि ये झूठा भाईचारा हमने नहीं छोड़ा तो भाई हमको चारा बना करके खा जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। अरे हम ही तो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे मंदिरों से ही तो आवाज आती है, इंद्रम वर्धन्तु अप्सरा कृण्वन्तु विश्वमार्यमपा घ्नन्तु रावणा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये सनातन धर्म के मंच संपूर्ण विश्व के कल्याण की मांग करते हैं, शायद उनकी मस्जिदों से, शायद उनके मदरसों से भी इसी कल्याण की मांग की जाती होगी। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता जो दिन में 5 समय आवाज आती है, इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। इसीलिए यदि हम अल्लाह के सिवा यदि किसी की पूजा करते हैं तो हम काफिर हैं, हम मुशरिक हैं, हम नापाक हैं और हम वाजिबुल कत्ल हैं। यदि कोई दिखे जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करता हो तो उसका कत्ल कर दो, उसका प्रतिकार करो, उस पर पत्थर बरसाओ। और यही होता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा लेकर के हम सड़कों से निकलते हैं तो अचानक से मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबारी होने लगती है, ऊपर से कांच की बोतलें फेंक दी जाती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हमको लगता है अचानक कैसे हुआ, अचानक नहीं हुआ। आपको तो दिन में 5 बार चेतावनी दी जा रही थी, आप ही नहीं सुन रहे थे। आपको लगता था कि जो हमारी गीता में लिखा है, कई तो ऐसे भी महाज्ञानी हैं जो कहते हैं जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है, वही बाइबल में लिखा है। और यही कहते कहते आज हमारे सनातनियों को 10 राज्यों में अल्पसंख्यक कर दिया गया। हमारे दिल्ली से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है नूह और मेवात, वहां लोगों की दुकानों को नाम देख देख करके आग के सुपुर्द कर दिया गया, आग लगा दी गई पूरे मोहल्ले में। और ये आगजनी जो आज बांग्लादेश में हो रही है, ऐसी आगजनी प्रत्येक दिन भारत के कई राज्यों में होती है, लेकिन हम सो रहे हैं। हम जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा के नारे लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं देखते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक महिला के सम्मान के लिए 7 समुन्दर पार जाकर के दुनिया का सबसे बड़ा सेतु बना करके 50 किलोमीटर का सेतु बांध करके उस अत्याचारी, उस पापी को मारा। मतलब ये हम सीखते नहीं, केवल सियाराम जयराम जय जय राम और कहानी खत्म। बस हमको इतने में ही शॉर्टकट रास्ते में मोक्ष चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का प्रतिकार करें, हम ये भी नहीं कहते हम किसी से हिंसक हो जाएं, लेकिन हम ये कहते हैं हम किसी पर अटैक ना करें तो कम से कम अपने पास डिफेंस का साधन रखें। सनातन धर्म कभी भी पहले अटैक के लिए नहीं कहता, लेकिन सनातन धर्म आत्मरक्षा की बात करता है, डिफेंस की बात करता है। अग्रतश्चतुरः वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम् ब्रह्मम् इदम् शस्त्रम् शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति हि राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। यदि हमारे पास शस्त्र और शास्त्र नहीं होगा तो हमारा कल्याण
दस सालों में हो जाएगा, ये आप मान करके चलिए। आज सनातनियों ने अपने शस्त्रों को भी कोने में फेंक दिया और शास्त्रों में भी दूर हो गए, बोले बस इनको तो लाल कपड़े में रखना नहीं। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे। अरे जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना उसकी जन्मभूमि, मुद्दे पर हर काम जरूरी है मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले। इसलिए संकल्प लेकर के कहिए कि आज के बाद हम जातिवाद नहीं करेंगे। जातिवाद को नहीं छोड़ा तो वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ, किसी ने जाकर के नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम जाट हो क्या, तुम गुजर हो क्या, तुम बनिया हो क्या, तुम मारवाड़ी हो क्या, तुम तेली हो क्या, तुम धोबी हो क्या। बांग्लादेश में जितने भी वो दंगाई थे, आए और देखा कि ये हिंदू है, फिर वो चाहे जाट था, चाहे गुजर था, चाहे इस्कॉन का था, चाहे आर्यों का था, चाहे राधा स्वामी था, चाहे निरंकारी था, उसने देखा कि ये हिंदू था, इसीलिए उनकी दुकानों में, उनके घरों में, उनके आशियानों में आग लगा दी गई। इसीलिए कुछ दिन के लिए इस जातिवाद के जहर से बाहर निकलिए और एक होकर के सब लोग ओम ध्वज के नीचे आ जाइए। तो एक होकर के ओम ध्वज के नीचे तभी काम बनेगा, क्योंकि वो सब चांद सितारे के नीचे हैं, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहमदिया हो, चाहे मोहम्मदी हो, चाहे कुरैसी हो, सब एक हैं, लेकिन हम बटे हुए हैं। ये छोड़िए, हम सब